आज मेरे घर में सिंपल लंच में है तंदूरी बटर नान, दाल, घी राइस और पनीर कैप्सिकम की ग्रेवी यानी चाकना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरी किचन में एक दो आइटम बन रहे हैं। यहाँ मैं पनीर कैप्सिकम की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ मैं बटर नान की तैयारी कर रही हूँ। अब सबसे पहले मैं बटर नान बनाने की तैयारी करूँगी, फिर पनीर की तरफ जाऊँगी। आप इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लें। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, ये एक और ये आधा। यहाँ मैंने 2 पिंच मीठा सोडा लिया है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, दो या 3 पिंच मैंने यहाँ ड्राई ईस्ट लिया है, दही 3 से 4 चम्मच, दही और सोडा, बेकिंग सोडा और ड्राई ईस्ट, इन सबको मिलाकर इस तरह से हमें एक आटा गूंदना है। आटा टाइट नहीं गूंदना, जैसा कि रोज़मर्रा के रोटियां के जैसा, इसे सिर्फ थोड़ा सा नरम तरीके से गूंदना है। लाकर इस तरह से आटा गूंद लें। ये 10-15 मिनट रखने से ये आटा डबल हो जाता है, फूल जाता है। किस वजह से? ईस्ट की वजह से, दही की वजह से, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की वजह से। इस तरह से मैं इसको गूंद कर ये बटर नान है फ्रेंड्स। एक्चुअली ये तंदूर बटर नान है, मैं आपको मेरे पैन में बनाकर बताऊंगी। गूंदने के बाद थोड़ा सा इसमें तेल दाल को इस तरह से अच्छी तरह से गूंद लें। गूंद कर इसको एक तकरीबन आधा घंटा या 15 से 20 मिनट मैक्सिमम इसको हम ढक कर रखेंगे। इसके बाद हम बटर नान बनाएंगे। यहाँ मेरी किचन थोड़ी मेस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पनीर कैप्सिकम की उनकी सेमी ग्रेवी की रेसिपी आपको बताऊंगी। पनीर को मैंने छोटे डाइस में यहाँ हाफ फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मेरी दाल बन रही है, ऑनियन, टोमेटो को फ्राई करूँगी। टोमेटो के ऊपर मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक डाला है ताकि टोमेटो जल्दी फ्राई हो जाए। इस तरह से हम इसको ढककर थोड़ी देर टोमेटो नरम होने के लिए छोड़ करूंगी। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन और टमाटो थोड़ा नरम हो गए हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, इन सभी मसाले को तरह से हमें भूनना है।
अगर मसाला नीचे तले पर लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी मिल जाए और मसाला नीचे नहीं लगे। इसको मैं ढककर और 10-15 मिनट छोटी सी हरी मिर्च छोटी काट के डाली है ताकि सालन थोड़ा तीखा हो। और यहाँ मैं अब इस स्टेज में ऐड करूँगी कैप्सिकम। पहले हम थोड़ा सा कैप्सिकम को पका लेंगे, उसके बाद में फिर पनीर ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कैप्सिकम थोड़ा गलने की इसमें आ गया है। इस स्टेज में मैं यहाँ पनीर को थोड़ा मैंने हाफ फ्राई करके रखा था, तो मैं इसको यहाँ कैप्सिकम के साथ मिलाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या रंग बिरंगा पनीर कैप्सिकम का चाकना, ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। इस तरह एक और 10-15 मिनट हम इसको पनीर को कैप्सिकम को एक साथ पकने के लिए हम 10 मिनट के लिए तैयार हो रहा है। आज मैं आपको पूरा लंच प्रिपेयर करके बताऊंगी। इस स्टेज में मैं यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी खुशबू के लिए थोड़ा सा यहाँ मिलाऊंगी। इसको मैं और एक 10 मिनट के लिए थोड़ा सा चाकने को पकने के लिए छोड़ूंगी। तकरीबन रेडी है फ्रेंड्स, यहाँ पर पनीर कैप्सिकम का चाकना रेडी है। इसको मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। कि जब भी क्या भी चीज़ रेडी हो जाती है तो ऊपर तले पर इस तरह से ऑयल आ जाता है। ये हमारी कैप्सिकम की ग्रेवी, कैप्सिकम पनीर की ग्रेवी बोले या चाकना बोले, ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ मेरी दाल रेडी हो गई है और मेरा खुशखा भी वहाँ पे रेडी हो गया है। मैंने दाल और खुशखे की लिंक मेरे वीडियो में दे रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नान बनाने की प्रोसीजर में देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे फूल गया है आटा इस तरह से। हमें इसको इस तरह से गूंदना है, इस तरह से गूंद कर नरम करने के बाद मैं इसको पेड़ों में तकसीम करती हूँ। मैं अब इसके पेड़े काट लेती हूँ फ्रेंड्स। ये पेड़े भी और फूलेंगे। को और एक 5 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। हमें एक एक करके रोटियां यानी मेरे तंदूरी बटर नान को मैं बेलूंगी। कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी साइज पेड़े आप जितने छोटे या बड़े लेना चाहें
से मैं रोटी कैसे फूल रही है हमारी बटर नान। देखिए फ्रेंड्स कैसे हमारी बटर नान फूली हुई है। रेडी करके इस तरह मैं यहाँ बटर और थोड़ी सी उसमें खतिमेर ग्लेज दे रही हूँ मैं बटर का नान पर, तभी तो ये तंदूरी बटर नान है। देखिए फ्रेंड्स कैसी रोटी नरम और मुलायम बनी है। इसका टर्न फिर टर्न ऑलमोस्ट रेडी। इसको भी मैं बटर से ग्लेज करूंगी। अब मैं आपको नान तोड़कर बताती हूँ फ्रेंड्स कैसे बनी है। देखिए फ्रेंड्स देखो कैसा मुट्ठी में आ रहे नान, अरे नहीं नरम है ना। अब इसे वो तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाह पॉकेट माशाल्लाह नान, दिस इज तंदूरी बटर नान। देखिए फ्रेंड्स कैसी पॉकेट में कैसा नान फुल को है। अब चलते हैं हमारे दस्तरखान। रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है फ्रेंड्स, और आज मैंने पनीर कैप्सिकम और तंदूरी नान प्रिपेयर किया है। अपने फैमिली के साथ लंच एंजॉय करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र मेरी वीडियो मजीद आपको सबको पसंद आई हो। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और दुआओं में मुझे याद रखें फ्रेंड्स। चलती हूँ, बहुत भूख लगी है लंच खाने। अल्लाह हाफिज़।